टफ आई हुई है, लिटरेचर वाली हिंदी आई हुई है, सुबह की इवन हिंदी ठीक थी, अब वाली जो हिंदी आई हुई है। यस yes. 83 का इसमें है, जो धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता कौन है। ठीक है, धरती धन ने अपना उपन्यास के रचयिता, यहाँ पे जो भी जो आंसर दे रखा है इन्होंने, जगदीश राइट आंसर है। ठीक है, जगदीश चंद्र इज द राइट आंसर। धरती धन ने अपना ये उपन्यास किस ने लिखा हुआ है, ये जो है जगदीश चंद्र है इसके रचयिता। ठीक है, यस। नेक्स्ट है देखो, ट ठ ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। तो इसमें देखना है, तीन गुण होते हैं काव्य गुण के, तीन गुण हैं, माधुर्य गुण, औज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है, माधुर्य गुण, औज गुण और प्रसाद गुण। बट ट ठ ढ ढ का जो संबंध है, इसके साथ अण भी आता है, उनका जो संबंध है वो औज गुण से संबंधित है। दीपाली मैम यूज करना, यस, औज गुण। इसका जो राइट आंसर आएगा, ट ठ ढ ढ अण अण भी आ जाएगा। वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है, तीन गुणों में से कौन सा गुण आ जाएगा, औज गुण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है। देखो, प्रत्यय भी दो तरह से होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। और कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो दूसरी भाषा के हिंदी में आए हुए हैं, जैसे संस्कृत के भी प्रत्यय आते हैं और उर्दू के भी प्रत्यय आते हैं। तो ये जो अंदाज है, ये फारसी भाषा का है प्रत्यय, मतलब कि फारसी तद्दित प्रत्यय है, जो कि उर्दू के अंडर आएगा। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे टिक किया हुआ है, 85 का सी आंसर राइट रहेगा। अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है, उर्दू का प्रत्यय है। यस हाँ, हिंदी तो बिल्कुल ऐसी लिटरेचर वाली हिंदी वैसे कभी भी नहीं आई जो इन पेपरों में आई हुई है। एमए हिंदी वाले भी वो देख रहे होंगे कि ये कौन सी कहाँ से हिंदी निकाल निकाल के इस बार यूज की गई है। डैश राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के लिए जो ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यस। मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा डैश के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये जो है वो कौन है, नागार्जुन। नागार्जुन का असली नाम जो था, नागार्जुन का असली नाम क्या था, श्री वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, नागार्जुन का क्या था असली नाम, श्री वैद्यनाथ मिश्र था। यस तो इसमें जो राइट हो जाएगा आंसर वो है नागार्जुन। क्लियर है, बी आंसर 87 का बी इज राइट आंसर। बोधाकृत, बोध ने रीतिकाल के कवि जो थे, रीतिकाल के, रीतिकाल में भी तीन तरह से थे, रीति मुक्त थे, रीति। और ये एक आपको बता दूं कि जो बोधाकृत विरहवागीश किस प्रकार की रचना है, इसमें मैं प्रॉपर ये नहीं कहती कि ये राइट होगा, क्योंकि सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा रहा है, भी अंदाजा ही लगा सकती हूँ इसमें मैं, क्योंकि ये जो विरहवागीश है और इश्कनामा, इन्होंने दो रचनाएं रची थी बोधा ने, तो ये जो थे रीति मुक्त कवि थे। ठीक है, ये रीति मुक्त कवि थे, इसलिए बस उस बेस पे मैं ये कह रही हूँ कि इनका जो काव्य होगा वो शायद मुक्तक काव्य होगा, नॉट क्लियर। ठीक है, बी राइट आंसर हो सकता है, बट इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, बी राइट आंसर हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है, ननेकवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ननेकवाद जो है वो प्रयोगवादी काव्य थी। ठीक है, ननेकवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ, वो प्रयोगवादी काव्य है ननेकवाद।
नेक्स्ट है प्रवासी साहित्यकार। इनमें से कौन से प्रवासी साहित्यकार है? प्रवासी साहित्यकार का मतलब क्या होता है? प्रवासी साहित्यकार, प्रवासी का मतलब अब देखो, मतलब जो भारत में पैदा हुए हैं बट कहीं और जाकर अपना लिटरेचर साहित्य दे रहे हैं। तो ये जो तीनों ही हैं, सुधा ओम ढींगरा, हरिशंकर आदेश और अचला शर्मा, तीनों ही भारत के हैं और इन्होंने मतलब इनका जन्म भारत में ही हुआ है और साहित्यकार कहीं और से साहित्य भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अग्रणी नाम तो हरिशंकर आदेश का है बट ये दोनों भी भारत के ही हैं साहित्यकार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी, ये सभी। ठीक है, प्रवासी साहित्यकार। अब यस, क्योंकि हिंदी में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऐसे हिंदी में देख रही हूं मैं, इतने पेपर हो चुके हैं, तो एक ग्राम सचिव में ऐसा हुआ है कि ग्रामर का तो नामो निशान ही नहीं है, लिटरेचर ही लिटरेचर है। यस, अब फ्रेंड्स आपके सामने प्रदीप सर आ रहे हैं, जिसके भी हाँ जिन्होंने एमए कर रखी है उनके तो कुछ सही हो गए होंगे, जिनके नहीं है देख लो कितने सही हैं या तुक्के कितने सही हैं हिंदी में, यही देख लो। ठीक है, मोस्टली इसमें हिंदी में एक और चीज थी, सी आंसर मोस्टली लगभग सही थे, कहीं कहीं बी आंसर भी राइट हुआ होगा बट मैं जब देख रही थी तो सी आंसर मोस्टली सही थे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, दे दो मैडम, दे दो दे दो, वेट बहुत कर रहे हैं मेरे लाडले बच्चे। थैंक यू मैडम, अरे अब बता दो, आजो आजो, अब आजो, एंजॉय करते हैं, अच्छे वाला, अच्छे वाले फीलिंग वाले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या पेपर आया था, कहा था, जो कहा था वो आया कि नहीं था, एक बार जल्दी से बता दो, फिर फीलिंग वाली शायरी भी पढ़ेंगे आज और आगे की रणनीति भी डिस्कस करेंगे और क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ सोना बाबू वाले भी आए हुए होंगे, उनका भी धन्यवाद है, चलो इस बहाने आते तो हैं। ठीक है, ये बता दिया था दीपा मलिक थी, बता दिया था ये। आगे बच्चों दो, ये देखो 2017 में हरियाणा के किस जिले में कल्पना चावला गवर्नमेंट कॉलेज है, तो कल्पना चावला से संबंधित मैंने आपको बताई है हर चीज मेरे लाडलो करनाल होगी, कहां होगी? कल्पना चावला से संबंधित हर चीज करनाल होगी, लेकिन कल्पना चावला का तारामंडल कहां पर रहेगा? तारामंडल है ना, कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला का गुरुजी जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को हुआ था, उनकी 10th की डीएमसी के अनुसार, देखो 10th की डीएमसी के रियल में उनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962। बोले गुरुजी आपको कैसे पता? उनके घर वाले बताते हैं उनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। और बच्चों पहले क्या होता था, पहले है ना, हम ये देखो उम्र क्या थी, बड़ी लिखवाई हुई थी इनकी उम्र है ना, देखो उम्र क्या है बच्चों, पहले है ना ये थी छोटी, उम्र कैसी लिखवाई होती थी, बड़ी, क्योंकि है ना जब बच्चे को ना माँ को बच्चा तंग करता है ना तो माँ उसको ना मतलब मैडम के पास छोड़ देती है कि मैडम अपने आप संभालेगी। अब शुरू से हमने बच्चे को मैडम की आदत डाल दी, अब उसके बाद बच्चा सारी उम्र बच्चों मैडम की आदत होगी और शादी हो जाएगी वो मैडम को लेकर दिल्ली चला जाएगा, फिर कहेंगे लड़का बिगड़ गया। अगर आपने उससे उसका बचपन छीना है ना, वो आपसे आपका क्या छीनेगा मेरे लाडलो? बुढ़ापा छीनेगा। ठीक है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ये याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका रहेगा। ठीक है, तो आगे बच्चों पूछा गया था, तो ये कल्पना चावला है ना 1997 में पहली बार कहां पर गई थी? अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी मेरे लाडलो? 1997 में। और कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त 1 फरवरी 2003 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कोलंबिया विमान दुर्घटना में मेरे लाडलो उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे डिट्टो, अब जो कहते हैं ना नहीं आए वो देख लो, खुद देख सकते हो। ठीक है, भारत में ये देखो बच्चों टेक्निकल, यही तो मेरे को पता था फंसा सकता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के सभी सत्रों में महिलाओं के लिए, अरे मेरे लाडलो हरियाणा का नहीं पूछा, इसने कहां का पूछा? कई मेरे वाले फीलिंग ज्यादा ले गए ना, वो बच्चों 1/2 करके आएंगे। अरे लाडलो 1/2 किस में है? हरियाणा में है। किस में है? रात भी डिस्कस किया था। भारत में कितना है महिलाओं को आरक्षण? 1/3 है। कितना है भारत में?
एक तिहाई है हरियाणा में राइट टू रिकॉल लाने वाला। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। हरियाणा आता तो आंख बंद कर करना सुदर्शन चक्र चला देते एक बटे दो पर, लेकिन भारत पूछ लिया तो एक बटा तीन आएगा। तराइन का पहला युद्ध मैंने डिस्कस कर लिया था, पेपर आते ही 1191 में हुआ था। कब हुआ था तराइन का पहला युद्ध? 1191। देखो बच्चों, एक आधा क्वेश्चन देखो गलत हो सकता है। गालिब अक्सर कहा करते थे कि गलतियां भी होगी और गलत समझा जाएगा। ये दुनिया है जनाब, यहां तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा, तो गलतियां होगी। एक हम भगवान थोड़ी है। देखो पेपर आते ही सबसे पहले हाथ खड़ा करते हैं, लाओ पेपर लाओ। स्टाफ सब सारा स्टाफ हाथ करता है, सर पहले मैं करवाऊंगा, मेरे को टाइम लास्ट में मिलता है। क्यों? कॉन्फिडेंट है, ठीक है। और घंटे बाद तो हर कोई सॉल्यूशन करवाएगा ना, देख देख के हर कोई करवाता है। बाद में वो हमारे बच्चे ने इतना विश्वास दिखाया ना, आप सभी को सैल्यूट करता हूं, आपके मम्मी पापा की परवरिश को। आगे आता है कदारिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो बच्चों खजुराहो में है। और खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और ये सवर्ण वेलगोला वो स्थान है जहां पर बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने ना अपना अंतिम टाइम बिताया था। ये कहां पर है? कर्नाटक के सवर्ण वेलगोला नामक स्थान पर ना चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगिरी पर्वत पर अंतिम टाइम बीता था, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो कदारिया महादेव मंदिर कहां पर है? खजुराहो में। और खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए थे मेरे लाडलो? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। आगे आते हैं बच्चों, हरियाणा पंचायती राज एक्ट की ना ये धारा पूछी गई है, तो किस धारा में है ना? राज धारा की एक है, मैंने वो पीडीएफ डाली थी, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना से संबंधित है? ये रात बच्चों जो पीडीएफ थी ना उसी से क्वेश्चन आया था, धारा 249। मैं नहीं कहता मैंने करवाई थी, मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ डाली थी, तो उसमें कौन सी धारा रहेगी? धारा 249 है ना, इसका संबंध किससे रहेगा? विकास योजना से रहेगा, यानी डेवलपमेंट प्लान का संबंध किससे रहेगा? धारा 249 से रहेगा। जितने लाइव चल रहे हैं बच्चों उतने लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कल से ना हरियाणा पुलिस का बेच आ रहा है, एक बार दिखा दीजिए नसीब, ये पूछ रहे हैं कौन सा बेच है। तो हरियाणा पुलिस का बच्चों कल बेच आ रहा है, हमारी पूरी टीम द्वारा 599 रुपए का बेच रहेगा। अच्छा लगे तो देख लेना, जीके भाई प्रदीप सर पर भी आपको चीजें मिलती रहेगी। हटा दो गुरुजी, ठीक है। आगे आता है बच्चों इसार शेर, बता दिया किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था? 1354 में बसाया था। महाराणा प्रताप आते ही डिस्कस कर दिया था, 1576 में कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हल्दी घाटी की। और इसमें महाराणा प्रताप का कौन सा घोड़ा मारा गया था? चेतक मारा गया था, ये बताया था। बड़कल झील में करवा दी थी मैंने, बड़कल झील हरियाणा में कहां पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। कहां पर रहेगी? 1947 में सिंचाई कार्य शुरू हुआ। करण झील पूछे तो करनाल में रहेगी, ब्लू बर्ड झील पूछे तो इसार में, और ब्लैक बर्ड आसी में रहेगी, और सिरसा का नाम सेरिस क्रम होता था, यह भी बता दिया था मैंने। निम्नलिखित में कौन सा शासक सैयद वंश का संस्थापक होता था? खिजरा खां। बच्चों इनके शासनकाल भी बता देता हूं, आगामी एग्जाम में आए। खिजरा खां का 1414 से 1421, इल्तुतमिस का 1211 से 1236, रजिया सुल्तान का 1236 से 1240, और कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210। एक एक शासनकाल है ना, हजार साल तक के राजा उंगलियों पे शासनकाल याद करवाए थे, आपको याद है तो है, ठीक है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में ना ये पूछा गया था कौन सी पूर्व चालुक्य वंश की राजधानी होती थी? तो बच्चों बादामी और बातापी के क्या हुआ करते थे? चालुक्य होते थे। कौन से होते थे? बादामी के क्या हुआ करते थे? चालुक्य हुआ करते थे, ठीक है। ये बच्चों एंशियंट इंडिया की मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, जीके भाई प्रदीप सर चैनल पर है, एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी अभी तो डिस्कस किया था, कौन सा था? काला। और जो कह रहे थे ना ट्विटर ऑफ हरियाणा में क्वेश्चन नहीं आए, सुबह शाम को कम से कम है ना 22-23 में से 20-20 क्वेश्चन डिट्टो आ रहे हैं। एक बार दिखाना किताब कौन सी थी नसीब, इनको पता तो चले कि ये कह रहे थे नहीं आएंगे। ये देख लो, ये हरियाणा करंट अफेयर की बुक भी पूरे हरियाणा में आ चुकी है। अब जो आगे 16-17 को एग्जाम है ना फीमेल सुपरवाइजर का, करंट अफेयर आएगी, देख लेना उसमें। ये नहीं है मैं बुक मत लेना चाहिए, करंट अफेयर कोई भी है कहीं से पढ़ हटाओ नसीब, ठीक है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा रहेगा? काला तितर रहेगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों,
हरियाणा वन विकास निगम, कितनी बार पढ़ाया था, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1989 में हुई थी, और 1989 में ना मतदान करने की एज है ना वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। और 1989 में हरियाणा में कितने जिले बने मेरे लाडलो, 4 जिले बने थे, कौन कौन से बने थे, केथल बना था, रेवाड़ी बना था, पानीपत बना था, और कौन सा बना था, यमुनानगर बना था, कौन सा बना था मेरे लाडलो, यमुनानगर बना था। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जो कितनी बार बना था, 2 बार बना था, दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को बना था। पानीपत का क्या हुआ था मेरे लाडलो, पुनर्गठन हुआ था। चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक तो आपको पसंद आएगा तो ही करोगे ना, ठीक है, मेरे से ज्यादा तो लाइक आप कमेंट को करते हो, सोना बाबू के पीछे पड़े हो, अरे कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सर को भी कोई लाइक बनता है कि नहीं बनता। आगे आते हैं, हरियाणा में वर्तमान में कितने प्रशासनिक मंडल है, 6, अभी तो बताए थे घर के, अब गुरुग्राम, इसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। आगे आते हैं, कलसिया के राजा ने, ये देखो थोड़ा नया क्वेश्चन है बच्चों, ये कलसिया का राजा है ना ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, नया है, मैंने नहीं करवाया था, व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट। तो ये कलसिया के राजा ने ना हरियाणा में कौन सा किला बनाया था, इसमें ना एक तुक्का काम करता है, तुक्का क्या काम करता है गुरुजी, तुक्का ये काम करता है लाडलो, इसमें जींद है डिस्ट्रिक्ट है, पानीपत है डिस्ट्रिक्ट है, केथल है डिस्ट्रिक्ट है, तो ये एक जगह का नाम है, ये छछरौली वही है जिसे हरियाणा का मानिसराम, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और प्रति है ना साल में सबसे ज्यादा अगर औसतन वर्षा होती है ना वो छछरौली में होती है, वैसे डिस्ट्रिक्ट में पंचकुला में सबसे ज्यादा होती है, और छछरौली में ही ना जो सम्राट अशोक का चेनेस्टी का क्या है स्तूप है, छछरौली कहां पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा मेरे लाडलो। ऐसे क्वेश्चन ना तुक्के के हिसाब से भी हम ठीक है कर सकते हैं, इसमें ओल्ड एक ही लग रहा है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे, तो ये बच्चों 1896 में हुए थे, एथेंस में हुए थे, ठीक है, 1896 में कहां पर हुए थे, एथेंस में प्रथम ओलंपिक गेमों का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, ठीक है। आगे आता है 2 अक्टूबर को, ये भी डिस्कस कर लिया, रात भी क्लास में किया था, सबसे पहले पंचायती राज कहां पर आया था, नागौर राजस्थान में आया था, फिर आंध्र प्रदेश में क्या आया था, पंचायती राज आया था। बताओ कि अगर मैंने जो तैयारी की है वो पढ़ाया था वो आया कि नहीं, नसीब कमेंट सेक्शन तो ऑन कर दे यार बच्चों के, बताओ पढ़ाया था कि वो आया था कि नहीं, आप तो पेपर नहीं देने जाना, बता दो लाडलो। डिस्कस करेंगे ग्राम सचिव की आंसर की भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप क्या कह रहे हैं भाई गुरुजी, मैं आपका अरे भगत मत बनो, ठीक है, भगत नहीं बनना बच्चों, माफी चाहता हूं, अगर आप किसी के भगत बन गए ना तो उसमें आपको कमियां नजर नहीं आएगी, भगत और अंधभक्त ना बनो। हाँ आप मेरे फैन नहीं, मैं आपका फैन हूं, मैं सैल्यूट करता हूं आपके मम्मी पापा को जिन्होंने इतने अच्छे संस्कारी बच्चे पैदा किए और जो कितना अच्छे जवाब दे रहे हैं, मैं सैल्यूट आपको नहीं करता, आपके मम्मी पापा को करता हूं कि कितने संस्कारी बच्चे लगे हुए हैं आज, ठीक है। रात है ना 11 बजे तक पढ़ा रहा था और 6,500 बच्चे लाइव थे, तो ये जुनून है, जो रात को ना जागेगा, जो रात को तपेगा वो सूर्य की भांति जरूर चमकेगा मेरे लाडलो। ये है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव द्वारा निर्देशित, ये प्रक्रिया पूछ रहा है किसके द्वारा होती है बच्चों, ये चुनाव कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव करवाने की जिम्मेवारी किसकी होती है, ये तो पीछे एग्जामों में भी क्वेश्चन आया हुआ था, राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी होती है ये चुनाव, ये ट्विटर ऑफ हरियाणा से क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना, उसमें 1000 क्वेश्चन डाले हैं लास्ट में, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, चुनाव करवाता है। ये 29वां क्वेश्चन है ना बच्चों, ये भी जो एक्ट डाले हुए थे ना हमने डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए हैं, इसमें धारा पूछी गई है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति है, तो ये क्या है धारा, आर्टिकल 263। इसमें तो बच्चों ये धाराएं है ना किसी ने नहीं पढ़ी थी, इसमें तो देखो तुक्के लगने हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे है ना, इसमें तो क्या लगते हैं बच्चों तुक्के लगते हैं, धारा वाला एक आधा इधर उधर हो सकता है, धारा इसमें कौन सी जाएगी, मे भी 263 के साथ है जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार इसने पूछ लिया था बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है के संदर्भ में सही उत्तर पहचानिए, धारा 264 छूट से संबंधित है,
धारा 263 प्राधिकरण से संबंधित है, धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण के संबंध से संबंधित है। तो ये धारा 276 है बच्चों पुलिस के साथ प्राधिकरण के क्या है संबंधित है। पानीपत का तीसरा युद्ध मेरे लाडलो पूछा गया था 1761 में, और इस युद्ध के बाद किसका निर्माण हुआ था, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। और मराठा शक्ति का भारत से क्या हो गया था, पतन हो गया था। ये चांद मीनार मेरे लाडलो, चांद मीनार नहीं, आप चार मीनार पढ़कर आपने किया होगा हैदराबाद, और फीलिंग ले ली होगी 80 प्लस जाएगा स्कोर। अरे चांद मीनार है, चार मीनार नहीं है, चांद मीनार दौलताबाद महाराष्ट्र में है, ठीक कर लेना। दौलताबाद महाराष्ट्र में क्या रहेगी, चांद मीनार। और बच्चों दौलताबाद महाराष्ट्र में ना आप जो औरंगजेब अंतिम शासक है ना उसका मकबरा भी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बीबी का मकबरा जिसे दूसरा ताजमहल कहते हैं, काला ताज कहते हैं, अधूरा ताज कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का बेटा था ना, उसका मकबरा भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दो ही ऐसे बाप और बेटे हैं जिनके मकबरे एक साथ है, तो ये दौलताबाद महाराष्ट्र में रहेगा मेरे लाडलो। आगे क्वेश्चन आया बच्चों हरियाणा में HPPC एक फुल फॉर्म आ रही है, आगामी जो एग्जाम होंगे ना मैं फुल फॉर्म वाली एक वीडियो दे दूंगा। तो बच्चों हरियाणा प्रसारण परचेस कॉरपोरेशन रहेगा, हरियाणा प्रसारण परचेस कॉरपोरेशन HPPC की क्या रहेगी, फुल फॉर्म में रहेगी बच्चों। आगे आता है क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक भी कहते हैं, तो बच्चों ये वर्ल्ड बैंक को कहते हैं, विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक कहा जाता है। जिसने दुरीना पर कोर्स ले रखा था ना, सारी की सारी बच्चों चीजें करवाई हुई थी, नहीं ले रखा था तो यूट्यूब से एज इट इज आया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों जो कोर्स हम करते हैं ना इससे क्या है, समाज सेवा करना चाहते हैं, हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। 599 रुपए में एक बुक नहीं आएगी, हम पूरी की पूरी टीम, क्योंकि मैं तो फ्री पढ़ा सकता हूं, मेरे साथ में जो टीचर्स होते हैं तो उनको भी तो पे करने पड़ते हैं ना, उनका भी तो परिवार है ना बच्चों, तो वो मजबूरियां होती है, एक रनिंग कॉस्ट ली जाती है आपकी 599 में पूरा कोर्स। तो ये अंतरराष्ट्रीय पुनर्संस्थापना और विकास बैंक का हेड को किसे कहा जाता है मेरे लाडलो, विश्व बैंक को कहा जाता है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था, 1 नवंबर 1966 स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था मैंने। आगे आता है बच्चों निम्नलिखित में कौन सा युगम, इसमें तो आप तुक्का ही लगा सकते हो, क्योंकि बच्चों श्री हर्ष है ना इसकी रचना कौन सी थी, नेस दह चरित्र थी, कल्लण की राजत्रेणी थी। किताबों पहले स्टैटिक जीके की वीडियो डाली थी, ये पुस्तकें डाली हुई थी, पद्मा गुप्त महावीर चरित्र की थी, तो हेमचंद्र की कुमार पाल चरित्र नहीं होती थी, तो ये हेमचंद्र इस दा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही नहीं है, बाकी सही है। संपत्ति का अधिकार बता दिया था, आर्टिकल 301 के तहत है ना, ये कौन सा अधिकार रहेगा मेरे लाडलो, कानूनी अधिकार है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया था, अबोलिश यानी हटा दिया गया था। आगे आता है कितना सिंपल क्वेश्चन है, पंचायती राज है ना की परिभाषा, अरे मेरे लाडलो परिभाषा किताब के स्टार्टिंग में ही तो मिलती है ना, तो मैंने बताया था ए से ओ तक है, तो परिभाषा 243 किस में मिलेगी, ए में मिलेगी, रात ही डिस्कस किया था 243 ए में क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी। रात कुछ सोच रहे थे ये पागल बना रहे हैं, अरे सारी सारी रात आपके लिए जागते हैं, और कईयों को लग रहा है पागल बना रहे हैं, ठीक है। पागल बनाना होता तो मेरे को भी नींद आती है, घर पे मां मेरे भी इंतजार करती है, गला मेरा भी खराब है, डॉक्टर ने मेरे को भी पढ़ाने के लिए मना किया है, आपके लिए सारी सारी रात जागते हैं, और फिर भी कुछ है ना नेगेटिव लोग बोल देते हैं, यूट्यूब वालों का पढ़ाया नहीं आया, भाई कहीं और से पढ़ लेना, तेरे लिए तो नहीं बैठे ना, नेगेटिव लोग हर जगह मिलेंगे। सुबह हनुमान चालीसा चलती है ना, शनि चालीसा चलती है, वहां भी हजारों डिसलाइक करने वाले पहुंच जाते हैं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फर्ज है, जैसे है ना बिच्छू का फर्ज डंक मारना होता है और साधु का फर्ज माफ करना होता है, तो बिच्छू अपना फर्ज निभाएगा और साधु अपना फर्ज निभाएगा। आगे आते हैं बच्चों भारत, ये पूछा गया पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज रात ही मैंने बताया था ये क्या है, स्थानीय स्वशासन है, कितनी बार 50 बार रात रिपीट किया था, पंचायती राज क्या है मेरे लाडलो, स्थानीय स्वशासन है। इसमें क्या है, जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या चुनती है अपना नेता, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन रहेगा, इज द राइट आंसर।
आगे बच्चों क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य है। तो ग्राम सभा के संदर्भ में ना बच्चों ये सोचने वाली है कि सत्य पूछा है, ये एक स्थायी निकाय नहीं है, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या है, वैसे तो देखा जाए तो बच्चों ग्राम सभा तो क्या है, स्थायी होती है ना। स्थायी क्या है, 18 साल, यानी जिसका जो 18 साल का है वोटर लिस्ट में नाम है तो वो तो क्या है, परमानेंट है। तो इसमें कहता है सत्य पूछा है, ये पंचायती राज प्रणाली की क्या है, प्राथमिक निकाय है। जहां तक मेरा आइडिया है ना बच्चों, यही लग रहा है ये पंचायती राज प्रणाली की क्या है, प्राथमिक निकाय है। इसे भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। तो बच्चों इसमें ना सत्य पूछा गया है तो ये पंचायती राज प्रणाली की क्या रहेगी, प्राथमिक। मेरे हिसाब से जहां तक इसका आंसर बी लग रहा है, मैं कह रहा हूं एक आधा क्वेश्चन बच्चों आपको क्या लगता है सारे क्वेश्चन टीचर को आते हैं, नहीं आते। कोई भी टीचर पे बैठ जाओ 90 नंबर नहीं ले पाएगा बच्चों, वो भी तो आपकी तरह स्टूडेंट है, आपसे सीख ही तो रहे हैं। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित में हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल, ये ट्विटर ऑफ हरियाणा से डायरेक्ट बताया था, बंसी लाल, ठीक है। और ऑप्शन में भजन लाल नहीं था तो क्या जाना पड़ा, किसके साथ, बंसी लाल के साथ। इन्हें हरियाणा का लो पुरुष, विकास पुरुष कहा जाता है। लास्ट में कट ऑफ पर भी डिस्कस करूंगा मेरे लाडलो। आगे आता है मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंह राजधानी भी कहा जाता है, ये कितनी बार पढ़ा था, सारनाथ सम्राट, ये सारनाथ रहेगी, कहां पर रहेगी, सारनाथ के अशोक स्तंभ, वही तो चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कहां से रहेगी, सारनाथ रहेगी, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व की थी। दनानंद को हराकर किसकी स्थापना की थी बच्चों, मौर्य साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। आगे ये रात ही पढ़ा था, दिसंबर 1977 में जनता पंचायती राज के, ये सुबह बताया था, मैंने कहा था सुबह वाले लेक्चर में रहोगे ना फायदा होगा। अशोक मेहता समिति बताया था कि नहीं बताया था 1977 में, सारी रात बताया, सुबह बताया। अगर ये भी कल गलत करके आओगे ना तो बच्चों क्या होगा, भगवान भरोसे होगा, ठीक है। तो ये अशोक मेहता समिति है, 1957-58 में कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता, 77-78 में अशोक मेहता समिति थी, 1985-86 में एलएम सिंघवी समिति थी, 1989 में पीके थुंगन समिति थी। आगे आता है बच्चों, इसमें निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो सही सुमेलित पूछा गया है बच्चों, इसमें क्या है, कौन सा सही सुमेलित है, आरटी कानून के समक्ष समान, ये नहीं है बच्चों, आर्टिकल 16 के तथा कानून के समक्ष क्या है, समान है। ये आर्टिकल 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 14 के तहत सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये बिल्कुल क्या रहेगा बच्चों, अवसर की समानता इसमें वर्णन नहीं है, तो आर्टिकल 15 रहेगा बच्चों। 17 के किसका अंत करता था बच्चों, असप्रियता का अंत करता था, और 18 किसका अंत करता था मेरे लाडलो, उपाधियों का अंत करता था। मौलिक अधिकार देख लेना तो आप, है ना, प्लेलिस्ट जीके वाई प्रदीप सर की, एक एक मौलिक अधिकार करवाया था, आर्टिकल 15 आएगा इसमें, ठीक है, सही सुमेलित में। आगे आता है पंचायती राज खालिस्तान में शामिल है, अगर चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है तो किस विषय का, सूची का विषय रहेगा, राज्य सूची। अब आप ये तो तुक्का भी लगा सकते हो ना, अब पंचायती राज के चुनाव करवाने हैं तो नरेंद्र मोदी जी को टेंशन है या हमारे सीएम को टेंशन है, सीएम को टेंशन होगी तो राज्य सूची का क्या रहेगा, विषय रहेगा, ठीक है। हरियाणा में जिला स्तर पर पूछा है, जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, तो बच्चों ये क्या होता है, जो आपका मुख्य चिकित्सक अधिकारी, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, ये क्या होता है, सीएमओ बोलते हो जिसे आप, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, मुख्य चिकित्सक अधिकारी है ना, ये क्या होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या होता है, प्रमुख। इससे ऊपर एसएमओ भी होता है, लेकिन ना इसने जिला स्तर पर पूछा है तो स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य चिकित्सक अधिकारी के क्या होती है मेरे लाडलो, अंडर में होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। आगे है ना बच्चों, ये पूछा था ग्राम सभा की मीटिंग कौन बुलाता है, तो रात ही डिस्कस किया था बच्चों कि ये मीटिंग कौन बुलाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव, सचिव की ड्यूटी होती है ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने की, ड्यूटी किसकी होती है, सचिव की होती है। जो रात है ना क्लास नहीं लगाई थी ना, वो अब पछता रहे हैं, जैसे गाना सुना होगा ना, बड़ा पछताओगे, वही बात हो गई ना, रात बोला था जाग जाओ जाग जाओ, जागते रहो जागते रहो, लेकिन नहीं जागे ना, तो अब है ना
अगर कोई टीचर बात बता रहा है ना बच्चों, भरोसा करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर बात बता रहा है ना, दिल से उसकी बात को समझना पड़ेगा। कोई पागल नहीं है रात रात भर कर आपके लिए जाग रहा है गला खराब होने के बाद में, लेकिन कईयों को आज भी कहेंगे व्यापार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, व्यापार ही सही। वो कहा करते थे ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। वही वाली बात हो गई आज तो, ठीक है। कोई नेगेटिव बोले तो कोई इफेक्ट नहीं। अब यमुना नदी हरियाणा राज्य की किस सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी कितनी बार पढ़ा पढ़ा के गला खराब हो गया। पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है मेरे लाडलो? यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा पर बहती है? पूर्वी, ये प्रवेश कहां से करती है? ताजेवाला यमुनानगर से करती है। और अथनी कुंड बैराज का संबंध भी किस नदी से है? यमुना नदी से है। और फरीदाबाद में सिंचाई किस नदी द्वारा की जाती है? यमुना नदी द्वारा। तो ये किस सीमा पर बहती है? कितनी बार पढ़ाया था, कितनी बार पढ़ाया था। लेकिन कुछ कहेंगे सर नहीं पढ़ाया, अरे चलो मैं मान लेता हूं, वो भी खुश हो जाएंगे, नहीं पढ़ाया मैंने, मेरा पढ़ाया कुछ भी नहीं आया। बस अब आप, आपकी खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने से संबंधित है? तो कर लगाने से आर्टिकल 147 है ना, ये किससे संबंधित रहेगी बच्चों? कर लगाने से संबंधित रहेगी। आर्टिकल मानता हूं थोड़े मुश्किल आए थे, बाकी पेपर है ना इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्य रात ही डिस्कस किए थे, कर लगाना, एकत्रित करना, जल संसाधनों का निर्माण, रोजगार से, तो उपयुक्त सभी किसके रहेंगे? ग्राम पंचायत के क्या रहेंगे मेरे लाडलो? कार्य रहेंगे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत, पंचायत बचपन से ही कहते हैं पांचों की क्या होती है? सभा। जहां पांच लोग इकट्ठे हो जाए वहां पंचायत हो जाती है। और हरियाणा में पांच लोग इकट्ठे हो जाए शाम को तो कलेश हो जाता है, फीलिंग ले लेते हैं, बोतल खुल जाती है। तो हरियाणा में पंचायत है ना दूसरे तरह की होती है। शाम को पांच कहते हैं ना, रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे दो यार। यहां पांच बैठ गए ना, बाद में इंग्लिश में बातें होने लगती है। पहले तो ना मतलब बोलेंगे बाबू वो गाना लगवा दो, वो डीजे वालू बाबू मेरा गाना बजा दो। और बाद में ना पांच लेने के बाद है ना जनरेटर चला दो, इनको मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है। तो पांच की क्या बनती है मेरे लाडलो? सभा बनती है। किसकी सभा बनती है? पांच की। पचास की नहीं बनेगी, पचास हो गए तो सुनाई नहीं देगा इंग्लिश कौन बोल रहा है। अरे क्या हो गया आज, बोर्ड बेवफा हो गया क्या? सही है, सही है, विनोद सर कह रहे हैं सही है सर जी, ये तो वफा ही करेगा, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में, ये सुबह बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? सुबह पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। सुबह मैंने सॉल्यूशन कराया था ना, पांच क्वेश्चन डिट्टो आए हुए हैं, देख लेना सुबह वाली वीडियो, कहीं कह दो सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। झूठ बोल के हमें मिले क्या? बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है मेरे लाडलो? पानीपत को, साइंस सिटी अंबाला को, मिल्क सिटी जींद को, सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र को कहा जाता है मेरे लाडलो, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है? तो कौन सा पक्षी विहार है मेरे लाडलो? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? गुरुग्राम में। इसका पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार था, तो वर्तमान में क्या है? सुल्तानपुर अभी नेशनल पार्क है। सुबह बताया था नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था इसे? 1991 में मिला था। एचएसएससी मानती है ट्विटर ऑफ हरियाणा में 1991 में लिखा था, देख लेना, ट्विटर ऑफ हरियाणा में 1991 में लिखा हुआ था। आप कहो 1989, ठीक है, देख लो 1991 में क्या है? सुल्तानपुर पक्षी बिहार सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना था, ठीक है। क्या मतलब ट्विटर ऑफ हरियाणा में राइटर संदीप खासा सर के नंबर भी दिए हुए थे, फिर भी कुछ है ना नेगेटिव लोग बोलते हैं, अरे इतने अगर 20,000 क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो 30-35 अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो कोई गुना तो नहीं हुआ ना, लेकिन ना लोगों को कमियां निकालने वाले सर ये है आपकी किताब में। आज ट्विटर ऑफ हरियाणा ने प्रूफ कर दिया है कि उसमें ना कितने क्वेश्चन आए थे। शाम को घर जाकर मिला लेना, फिर गिरेमा में झांक कर देखना, टीचर को गालियां देने लग जाते हो, ठीक है। कभी कभी तो दिल करता है लेकिन ना मतलब फिर क्या है, नेगेटिव लोगों के पीछे पॉजिटिव का साथ नहीं छोड़ सकते। हरियाणा ये कितनी बार पढ़ा था? कौन सा नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है? धमाल।
और हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आएगा धमाल नृत्य कब किया जाता है, चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है जब फसल पककर क्या हो जाए, तैयार हो जाए, जब फसल पककर तैयार हो जाए मेरे लाडलो, चांदनी रात को खुले खेतों में कौन सा नृत्य होगा, धमाल नृत्य होगा। और अभी इतने लाइव बैठे हैं लेकिन लाइक नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो खुश नहीं है ना, लाइक करो तो करो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है ना खुश रहा करो यार, ठीक है, जिंदगी थोड़ी सी मिली है ना, इसे खुश रहकर गुजारना, खुश रहोगे ना, दुनिया है ना खैरियत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसियत पूछती है। कोई आपसे पूछे ना भाई साहब क्या करते हो, वो ये पूछना चाहता है सामने वाले को इज्जत कितनी देनी है। आप कह दोगे बेरोजगार हूं, तू तड़ाके के बात करेगा, कह दो ऐसा ही हूं ग्राम सचिव हूं, और भाई साहब चाय पीने चले क्या, लहजा बदल जाता है सामने वाले का। मजाक की 100 बातें हैं अपने मम्मी पापा के लिए, ये भाई रो कौन रहा है यार, देखना नसीब। सतीश अरोड़ा जी को क्या हो गया, कोई सोना बाबू ने धोखा दे दिया क्या। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां स्थित है, तो बच्चों ये कहां पर, ये नया क्वेश्चन है, मानता हूं ये क्वेश्चन है नहीं करवाया हुआ, तो थे पोलर का प्राचीन स्थल है ना हरियाणा में कहां पर रहेगा, केथल में रहेगा, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया हुआ था, मानता हूं नहीं करवाया, लेकिन ये थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहां पर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, केथल में रहेगा, कहां पर रहेगा, केथल में रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है हरियाणा में 1857 की क्रांति कितनी बार पढ़ाया था, 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी और भारत में यूपी मेरठ से 1857 की क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी बच्चों डिट्टो क्वेश्चन आए हुए थे 1857 की क्रांति से। अब कट ऑफ के पीछे पड़ गए ना, कट ऑफ कितनी जाएगी, अरे बता देंगे कट ऑफ के लिए ना, अभी डिस्कस करेंगे, हमारे विनोद सर है ना एक्सपर्ट है, जो बता दिया ना कट ऑफ है उनसे बाहर नहीं जानी है, ठीक है, अगर बता दिया ना 77 और 80 के बीच में आएगी तो 79 के बीच में 78 आएगी, तो मतलब वो कह दे वो तो ठीक है। आगे आता है ऋग्वेद में खालिस्तान का उल्लेख है स्थानीय सौ इकाइयों के रूप में किया जाता है, वैसे बच्चों ऋग्वेद में ना आप देखोगे ना उत्तर वेदिक काल में ना ये समिति सभा विधाता थी, ठीक है, लेकिन इसमें विधाता है, ठीक है, वे विदत है, विदत, अगर अंग्रेजी के हिसाब से देखोगे ना इसका उच्चारण क्या बनेगा, विदत बनेगा, और उस हिसाब से क्या जाएगा उपयुक्त है सभी के साथ जाएगा। जब क्वेश्चन है ना बच्चों आपका ना सही नहीं है ना तो आपको इंग्लिश वाले के साथ है जाना पड़ेगा, तो विदत है के हिसाब से ना ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। वैसे है ना उत्तर वेदी काल में कहते हैं ये जो आप पढ़ोगे ना वेदों में ना ये कहते हैं जो प्रजापति की ना सभा और समिति है ना प्रजापति की क्या मानी जाती थी, बेटी मानी जाती थी, तो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, ये विदित रहेगा विधाता, गलती से लिखा गया है मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। अगरुआ का कितनी बार पढ़ाया था, अगरुआ का बोध साहित्य दिव्यावदान में ना अगरुआ और रोहतक का वर्णन है, और नकुल दिग्विजय में किसका वर्णन रहेगा, रोहतक का वर्णन है रहेगा। 4000 लाइव चल रहे हैं, खुशी तो होती है कि बच्चे पेपर दे आए, फिर भी सर पर एतबार है कि सर बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए, बहुत अच्छा सैल्यूट है, आपसे ज्यादा आपके मम्मी पापा को सैल्यूट है कि उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी है कि अभी भी है ना इंतजार कर रहे हैं कि जब तक सर है हम हैं। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली, मेरे प्यारे लाडलो समुद्रगुप्त को मिली थी, ये वीणा बजाया करते थे, हरिसेन इनका दरबारी कवि था कितनी बार, और हरिसेन ने ना प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की क्या की थी रचना, और समुद्रगुप्त को सुबह बताया था भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन किसको कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों, समुद्र। 4000 कहते ही ना हो गए ना नसीब, मैंने बोला था ना ये बच्चे कहना इतना मानते हैं कि पूछो मत हमारे। ये देखो ये था आपका, ये था आपका पेपर, और कौन कहता है करवाया हुआ नहीं आया था बच्चों। अब है ना सिंपल सिटी सारी टीम से भी आपको रूबरू, अच्छा कंप्यूटर रह गया क्या, इस कट ऑफ के बारे में 5 मिनट बाद डिस्कस करूंगा, एक बार कुलदीप सर बोल रहे हैं सर मेरे को कंप्यूटर करवाना है, कंप्यूटर कर लो फिर मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे एक्सपर्ट सर जुड़ेंगे विनोद छिरंग सर जी के मस्ती से। हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करके आए हैं। यस प्लीज, मैं कुछ क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से रिलेटेड आए थे, उनका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्रति का प्रति के अकॉर्डिंग था आपका,
Yes, consider the binary string 1101, this and this. तो इसका आंसर जो आपका बनता है ये पर्टिकुलर सी सी आंसर बनता है, क्योंकि अगर इसको हम देखें इसने क्या डिमांड किया है, हेक्सा 16, तो इसका मतलब चार चार डिजिट का इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 का ये 4 का ये 4 का ये, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, इसका मतलब चार चार के कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ 8 होता तो 3 3 के कॉम्बिनेशन बनते, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है वो आपका कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 16 डिमांड किया गया, इसका मतलब 2 की पावर 4, ठीक है। तो 4 के हिसाब से अगर हम इसको एक्सेस करें, इस पर्टिकुलर को, इसको और इसको, तो इस इसका आइडेंटिफाई करोगे तो ये किसकी बाइनरी है, 1 की, तो इसका 1 यहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है, इसका 1 यहाँ है, ठीक है। तो इसमें और किसी में 1 है ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहने वाला है, सी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैकिंग मेथड। हैकिंग क्या होता है, अटैक्स होते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर इंटरनेट पे साइबर क्राइम जो होता है, ठीक है, भी डाटा नेटवर्क भी फॉलो करता है, उस दौरान कोई उस डाटा को एक्सेस कर लेता है, तो ये सारी जो स्कीम है सोशल इंजीनियरिंग, स्पूइंग और स्निपिंग, ऑल ऑफ द अबो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये सारी तीनों की तीनों तकनीक्स क्या है, इंटरनेट के ऊपर डाटा की हैकिंग के लिए यूज होती है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। Yes, is a space on a computer hard drive that acts as a backup to system random access memory. Random access memory की जगह अगर बैकअप यूज करना हो सेकेंडरी मेमोरी का, तो इसमें जो है वर्चुअल मेमोरी का यूज होता है, वर्चुअल मेमोरी एज ए सेकेंडरी मेमोरी, एज ए प्राइमरी मेमोरी यूज हो सकता है, तो वर्चुअल मेमोरी इसका आंसर रहने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 45 द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव ए डिस्क ड्राइव रीड राइट हेड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द डिस्क। देखिए एक डिस्क के ऊपर ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है, और जो हेड मूव करता है वो पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचता है, उसके बाद डिस्क मूव करती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ट्रैक तक पहुंचना आपका कहलाएगा सीक टाइम। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है, सीक टाइम। उसके बाद नेक्स्ट है 55 Yes, in MS Word, very simple question, आपने यूज करते हो डेली रूटीन में भी, कोई भी डाटा आपने लिखा उसको बोल्ड करना है, अनबोल्ड करना है, इटैलिक या अंडरलाइन, तो उसकी शॉर्टकट कीज होती है, तो इसने बोल्ड के लिए पूछा है, तो इसके कंट्रोल बी जो है, बी ऑप्शन रहेगा, कंट्रोल बी इसका आंसर रहने वाला है 55। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड 75 आर द एम्प्टी स्पेस अलोंग द लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। जैसे हम कोई पेज प्रिंट करते हैं तो उसके चारों तरफ जो स्पेस छोड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, टॉप बॉटम अप, ठीक है, ये और गटर, तो ये मार्जिन को डिनोट करता है, तो इसका आंसर रहने वाला है ए, दैट्स ऑल। तो ये इसके क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे, उम्मीद करते हैं कि आपके ठीक रहेंगे। प्रदीप सर प्लीज। बच्चों मैं तो देखो एक बस छोटा सा चेहरा हूं, लेकिन मेरे पास जो मेरी टीम लगी हुई थी ना, उसके लिए पूरी मैं टीम का स्वागत करूंगा, और जो टीम धुरीना ने हम सब बच्चों के लिए किया है ना, तो उसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। टीम धुरीना ने सौगंध खाई थी कि हर बच्चे को ना, जरूरतमंद बच्चे को हम एजुकेशन पहुंचाएंगे। टीम धुरीना का एक ही सपना है कि मतलब है ना, हमें 80% वो बच्चे कवर करने हैं जो पैसों की कमी से के कारण वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। तो वही पापा वाली कहावत मैं हमेशा फॉलो करता हूं, नया जुड़े ना जुड़े, पुराना नहीं टूटना चाहिए। तो आप मेरे वो सब हो, आज हमें ना सारी टीम से मिलवाऊंगा, और बच्चों ये टीम है ना, इन्हीं के कारण आज प्रदीप सर गर्व से कह रहा है, जो करवाया था वो आया था। यहां झगड़ा हो जाता है जब पेपर आता है, सारे है ना इंग्लिश वाले, सर पहले मैं करवाऊंगा, मेरे को तो बारी लास्ट में मिलती है, मैं कहता हूं सर बच्चों से बात तो करने दो, बोला सर आप बाद में बातें कर लेना। इतना कॉन्फिडेंस यार, गजब का कॉन्फिडेंस, गजब की टीम, सैल्यूट करता हूं। और मैं हमेशा ही एक बात कहता हूं कि इंसान की पीठ मजबूत रहनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी भी पीठ पर मिलनी है और छुरा भी पीठ पर लगना है। तो ये सारी टीम है ना, इसने पीठ मजबूत रख रखी है, सारी टीम से रूबरू करवाना चाहता हूं। और लास्ट में ना कट ऑफ के बारे में आ जाइए, कैमरा पीछे कर दो, हमारे नसीब भाई टेक्निकल भाई को बुलाइए, आइए ठाकुर, ये सुबह से लगा हुआ है, अरे काले ही रहने दो गुरु जी, ये ठाकुर साहब है, बच्चों को हेलो बोल दो ठाकुर साहब। हेलो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट बोल दो सर, ऑल द बेस्ट सबको जिन्होंने ग्राम सचिव का पेपर दिया, सबको धन्यवाद।
सभी आ जाओ, सभी एक एक करके सारी टीम आइए। और कल से ना हरियाणा पुलिस का लाइव बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं 15 तारीख से जुड़ूंगा, क्यों जुड़ूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है और दो दिन ना गुरुजंबेश्वर भगवान की मेरे को धोख लगाने के लिए मुकाम जाना पड़ेगा, और मैं परमपिता परमात्मा से हरियाणा पुलिस के सक्सेस बैच के लिए दुआ करके आऊंगा। कोई भी नया काम शुरू करे ना परमपिता परमात्मा को याद, सारी टीम आ जाइए, मैं साइड में चला जाता हूं, मेरी टीम से मिलिए, ठीक है, सारी टीम से आइए आइए। कैमरा और पीछे, जितना पीछे हो सके ना कैमरा कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं सर, क्या बताएं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास तो। और टीम इतनी बड़ी है कि पूरे टीम पूरी इतनी बड़ी है कि दिखा ही नहीं सकते, करंट अफेयर के मतलब इतने इतने टीचर यार, टीम दूरी ना क्या करके मानोगे यार, इतनी इतनी टीम, ठीक है। ये प्रीत सर है, प्रीत सर का स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ, आज कीमती टाइम निकाला है हमारे लिए। तो प्रीत सर है ना बहुत बड़े मतलब है, आप है ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी है, बड़ी जबरदस्त पढ़ाती है। तो सभी सर एक बार थोड़ा सा बच्चों को बोल दीजिए, फिर लास्ट में मेरे को देना। सभी बच्चों को पहली बात गुड लक, आप लोगों के काफी मार्क्स बन रहे हैं जैसा कि प्रदीप सर और दुरीना टीम ने आपको मिलकर करवाया है, तो उम्मीद है, देखो जितनी पोस्ट है सिलेक्शन तो उतनी होगी, लेकिन आप सब आशावादी रहें, और जिस किसी के भी मार्क्स थोड़े से भी कम है उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारे मौके पेंडिंग है। अब कल आपका एक और बैच यहाँ पर हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जो है वो लॉन्च होगा, तो वो सारे YouTube और धुरीना ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपको मिनिमम रेट पर मिल रहा है, और इसके अलावा हमारे जो जितने भी फैकल्टी हैं वो दिन रात आप लोगों की सेवा में लगी हुई है, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम 24 आवर देते हैं, सुबह से लेके अब तक भी लगातार हम इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ लगे हुए थे, और हमारे साथ हर सब्जेक्ट के टीचर हैं। और सबसे पहले मैं हिंदी वाले मैम से मिलवाता हूं आपको, मनिंदर मैम, इसको आप सब जानते ही हैं, हमारे बड़ी बहन भी हैं ये, तो एक बार इनसे मिल। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, मुझे ये तो पता है कि वो लिटरेचर वाले क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें थोड़ी सी गालियां भी चल रही होंगी मेरे लिए, बट अब ये पहला पेपर ऐसा आया है जिसमें मैंने लिटरेचर देखी है, अदरवाइज हमेशा ग्रामर ही आती है, बट फिर भी आगे ट्राई करूंगी तो कि गालियों की आदि है, अरे पेपर में जीके है ना इस बार, मतलब है बच्चे खुश हो रहे हैं, अदरवाइज जीके वाले टीचर को सबसे ज्यादा गालियां पहली बार इस बार शायद हुआ है कि कोई हिंदी वाले टीचर को आज गालियां पड़ी है, ठीक है, तो हम तो आती है मैडम, इट्स ओके, वो भी हंस के ले ले लेते हैं हम। और वैसे आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, उसके लिए भी सबको बधाई, क्योंकि आज 10 तारीख है, और वैसे अपने इंडिया में तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, बट आज के लिए सबको बधाई हिंदी दिवस के लिए। कट ऑफ डिस्कस करेंगे, हाँ बिल्कुल, जुड़े रहना, कट ऑफ डिस्कस होगी आगे, मैं दीपाली मैडम को दे रही हूँ। हेलो एवरीबॉडी, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसा भी एग्जाम हो कोई बात नहीं, बस हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही हम लोग चाहते हैं, सिलेक्शन हम लोग आपकी करवाएंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगी, ओके, तो हमेशा हंसते रहिए, थैंक यू भाई। सबसे बड़ी खुशी तो ऐसे होती है जब कमेंट चलते हैं दे दनादन, और आ भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक कमेंट को पढ़ने के लिए ऐसे रोक रोक करके देखना पड़ता है, तो जो प्यार आपसे मिलता है ना उसी की वजह से यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आते हैं, और प्रदीप सर जब भी कहते हैं कि जी ये सेशन है आओ तो जरूर पहुंचते हैं। से आए हुए हैं सात समंदर पार, वो गाना तो वैसे ही बदनाम था, ऐसा कुछ नहीं है जी, आपका प्यार और बच्चों का प्यार खींच लाता है, और जिनका पेपर भाई अच्छा ना हुआ हो ना निराश मत होना, आज से ही अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दो, ऐसे नहीं है कि इसी पेपर को घुमा घुमा के बार बार देख रहे हो, एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये ना हो कि कहीं एक आधा कम और हो जाए, तो इसमें जो कर दिया ना वो ठीक है, इसको रख दो, जो कमियां हैं उनको पूरी करो, और जो भी पेपर आगे आ रहे हैं उनके लिए तैयारी करो, किसी का एनटीपीसी है, किसी का महिला सुपरवाइजर का पेपर है आगे, हरियाणा पुलिस का है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसमें तो भाई वो जितनी पोस्टें हैं उतने ही लगने हैं, ठीक है, तो उस चीज की टेंशन मत लो। गुड इवनिंग बच्चों, और सबसे पहले जीके भाई प्रदीप सर को बधाई देते हैं भाई, दो दिन से प्रदीप सर ने दिन रात एक किया, और पूरी दुरीना टीम प्रदीप सर के साथ जुड़े हुए है। बच्चों 9 तारीख को सबसे पहले शिफ्ट में जो आपको एग्जाम सबसे पहले सॉल्यूशन करवाए वो जीके भाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे करवाए, और एक ही बात कहता हूँ बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेता,
ज्यादा से ज्यादा जीके भाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर दुरीना ऐप को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कीजिए और जल्द ही हरियाणा पुलिस के बैच में आपको जल्द ही मिलने वाले हैं बच्चों। जैसे प्रदीप सर ने बताया आपको, दुरीना ऐप पर जो नया बैच शुरू किया गया हरियाणा पुलिस का, कम रुपए में सबसे पहले जो एक ही बात कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत ही भारी कोर्स होते हैं, इंडिया में देखा गया दुरीना ऐप एक ऐसी भारत में ऐप है जो सबसे सस्ते में सबसे कम रुपए में, प्रदीप सर ने बहुत बार आपको बताया बच्चों, कम रुपए में जो एजुकेशन से जुड़ी हुई ऐप है वो दुरीना ऐप है बच्चों। इसको ज्यादा से ज्यादा प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू प्रदीप सर, जो आपने दो दिन से बच्चों का प्यार बढ़ाया और बच्चों को सबसे पहले जो ग्राम सचिव का एग्जाम है सबसे पहले जो सोल्यूशन करवाया गया है वो जीके भाई प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पे करवाया गया है। लोग विनोद सर बात करूं, देखो बच्चों एक बात है, ये बात है कि अगर आपने देखा है कि जिसका कट ऑफ से एक मार्क से सिलेक्शन रह जाता है उसका वही क्वेश्चन गलत होता है जो उसको आता है। जो आज के एग्जाम में आपने देखा चांद मीनार पूछा हुआ था, सभी सिर्फ एक जीके बाय प्रदीप सर को छोड़ के सभी यूट्यूब चैनल ने गलत कराया, लगभग चांद मीनार पूछा हुआ था न कि चार मीनार, सबने हैदराबाद करवाया लेकिन दौलताबाद था। ठीक है, इस बात पर सोचना, जब भी आप एक नंबर से रहते हो आपकी ही गलती है न कि टीचर की। अब बात करेंगे आपसे प्रदीप सर दोबारा, मैडम से आओ अंकुश भैया एक बार हेलो कर दो, ऑल द बेस्ट बोलो, ऑल द बेस्ट बोलो दीपाली मैडम, ये जो एएससी का मैडम हेलो कर दो, फिर मैं तो हूं बच्चे मेरे को देख देख हेलो एवरीवन, आज मैडम पहली बार आई है चैनल नहीं सर मैं पहले आती होती थी। हेलो एवरीवन, आज का पेपर आपका जैसा भी हुआ हो बट आपको उसके लिए निराश नहीं होना। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ या फिर जैसा भी हुआ, आगे के लिए तैयारी करते रहिए और आपका एग्जाम जो है वो जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स आगे के एग्जाम्स के लिए आपको सभी को, और आपकी सबकी जॉब लगे 2021 में। लो सर अंकुश, हेलो एवरीबॉडी, मैं सभी सभी के लिए दुआ करूंगा। वैसे तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा बट फिर भी यही दुआ रहेगी कि आप लोग प्रदीप सर को बहुत लाइक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने अगर प्रदीप सर से पढ़ा है तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आप लोगों का सिलेक्शन हो, यही मेरी दुआ है। 2021 में आपको नौकरी मिले और जो हमारे दुरीना पे अभी नए बैच पुलिस के लिए हरियाणा पुलिस के लिए जो स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए आप रेडी रहिए, बहुत कम फीस में आपको कोर्सेज मिलेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, तो हमारे अंकुश भैया और वो एक बार हेलो तो कर दो कैमरे पे आके, फिर मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारे जो देखो न्यू की इंट है ये हमारे। नमस्कार सभी को दोस्तों, आपका हमें कॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा बहुत ही उम्दा प्रदर्शन और प्यार मिलता है और आपकी बातें और हमें बस हमारा सारा दिन इसी खुशी में चला जाता है भी, हमने इतने सारे बच्चों को कोर्स प्रोवाइड किए और इतना हमने अपना बेहतर एक्सपीरियंस दिया और इस खुशी में भी चला जाता है कि आज लड़की से बात ये तो बहुत क्योंकि सर की किस्मत इतनी खराब होती है, कॉल सेंटर पर भी कॉल करेंगे ना लड़का उठाता है तो ये लकी है। तो बच्चों ये अंकुश भी है हमारे टेक्निकल जो रीड की हड्डी माने जाने वाले। गुड इवनिंग सर, सॉरी गुड इवनिंग टीचर्स, मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया हूँ लाइव, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और प्रदीप सर को एक मौका दिया कि हम आप तक अपनी एजुकेशन प्रदीप सर पहुंचा रहे हैं, बहुत धन्यवाद बच्चों। आपने हमें 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 पसंद किया, सुबह आपने प्रदीप सर को पसंद किया, बस प्रदीप सर है तो सब कुछ है सर। थैंक यू सर, तो मैं सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और बच्चों आपसे ना भविष्य में जो कमिटमेंट की है ना उसको हम क्या करेंगे। ये हमारे ज्योति मैम है और जो भी अभी पब्लिकेशन की बुक्स आएंगी ना उनके लिए रॉ डाटा वगैरह उनके अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है क्वेश्चंस लिखने के अंदर, तो ये आपसे अभी बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू। ठीक, थैंक यू बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट आज हमारे ना
मतलब मयंक सर नहीं आए तो मयंक सर को हम सभी बड़ा मिस कर रहे हैं, और कुलदीप सर जो भी हमारे स्टाफ में सोमवीर भाई या जो नहीं आए, आज सबसे बड़ी बात है जो ट्विटर ऑफ हरियाणा के जो राइटर है ना संदीप खासा सर, उनका आज बर्थडे है, तो संदीप खासा सर को बर्थडे विश करना। ट्विटर ऑफ हरियाणा में ना नंबर दिया हुआ है संदीप खासा सर का, मेरे को कभी विश नहीं चाहिए, उनको विश कर देना। वो भी आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, और जितने भी बच्चे हमारे बीच में आज नहीं आ पाए ना, तो उनको मैं माफी चाहता हूं। और रही बात बच्चों कट ऑफ की, मैं 5 मिनट की एक वीडियो हाँ, अमित सर जो दुरीना का जो सिरसा से सारी दुरीना को ऑपरेट करते हैं, उनके आज घर में लक्ष्मी आई है, तो अमित सर के गुड़िया हुई है, तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं, आज वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो मैं सभी को उनको देखो प्रदीप सर एक है ना चेहरा है मेरे पीछे, जो रीढ़ की हड्डी बेकबोन है ना, ये मेरी टीम है, टीम दुरीना बेकबोन है, जिसने टीम दुरीना बच्चों वो माला है जिसने सभी को। हाँ बच्चों खासा सर की बुक कैसी लगी, ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, और पेपर उसमें से आया हुआ था कि नहीं आया था। कट ऑफ पर बच्चों आज मैं एक वीडियो बनाता हूं, एक मिनट कट ऑफ पर बच्चों मैं अभी है ना 5-7 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कट ऑफ है ना थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा कि कट ऑफ पर अभी एक वीडियो बना दूंगा मैं, और वो है ना बच्चों सुबह मैं पब्लिश कर दूंगा 7-8 मिनट में, क्योंकि एनालिसिस करना होता है कि कट ऑफ है ना किस कैटेगरी ओबीसी की कितनी जाएगी, जर्नल की कितनी जाएगी, एससी की कितनी जाएगी, वो थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद बनाए ना तो थोड़ी अच्छी रहती है। मैं 5-7 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ की, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों 1.5 घंटे के अंदर देखो पेपर सोल्व भी हो जाता है, तो मैं ना टीम दुरीना और मेरी टीम का ना सदैव ऋणी रहूंगा कि इन्होंने ना मतलब इतना सपोर्ट किया है। प्रदीप सर तो एक नाम है, ठीक है, और इसको ना बड़ा बनाने वाले आप हो। आज बच्चों जहां भी जाते हैं ना एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि ये फीलिंग वाले सर जा रहे हैं, जीके भाई प्रदीप सर जा रहे हैं, तो हाँ मतलब क्या है कि आपका प्यार है, आपकी प्यार की बदौलत है। और मैं अपने गुरुओं को थैंक्स बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। अभी भी 2900 प्लस बच्चे हैं ना वेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा बच्चों खुशी मेरे को नहीं मिलती। वो गालिब अक्सर कहा करते थे आप पर एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, तो आपसे जाते जाते ना यही विदा लेना चाहता हूं। और जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम पर अभी पीडीएफ है ये डाल दी जाएगी, और दुरीना को डाउनलोड कर देना, वहां भी पीडीएफ डाल दी गई है। कल से हरियाणा पुलिस का ऐसा बैच शुरू करेंगे बच्चों, शोर सिलेक्शन बैच 599 में होगा, और टीम दुरीना को कहकर लगा दीजिए बैनर सर, अब तो दिखा दो बच्चों को, ये 599 रुपए का बैच रहेगा बच्चों, और इसमें पूरी टीम दुरीना है ना सुबह, इसमें जीके के आपको 2 टीचर मिलेंगे, हरियाणा जीके के मैं करवाऊंगा, और मतलब आपको गुरप्रीत सर करवाएंगे, इंडिया जीके के आपको 2 टीचर मिलेंगे, हर सब्जेक्ट की इतनी अच्छी फैकल्टी मिलेगी, मैथ प्रदीप साहू सर और भी मतलब इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी आपको मिलेगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। और 15 तारीख तक है ना, ये 11 जनवरी लिखा हुआ है, ये नसीब सर 15 जनवरी कर देना बच्चों के लिए, और 15 जनवरी तक 599 में खरीद सकते हो। उसके बाद कितनी फीस रखी गई है, उसके बाद बच्चों इसकी फीस 1500 रुपए है, वो बच्चों मैंने अभी कम करवा दी आपके लिए, 15 तारीख तक मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों का, इनका 599 में ही रहने देना, तो 15 तक है ना आपको अच्छा लगे। दोबारा बोलता हूं बच्चों, मेरा कोर्स लो मत लो, मेरे से पढ़ो मत पढ़ो, ऑनलाइन किसी भी एकेडमी से पढ़ो, ऑफलाइन किसी भी एकेडमी से पढ़ो, किसी से भी पढ़ लो, कोई भी एक कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता। आज जितने भी यूट्यूबर सॉल्यूशन करवा रहे थे ना, मैं उन सभी यूट्यूबरों को सैल्यूट करता हूं कि वो हाथ तो खड़ा करते हैं। आज सुबह से जितने भी यूट्यूबर ने पेपर सोल्व करवाया कल से लगे हुए हैं, जितने भी यूट्यूब यानी कि जीके भाई प्रदीप सर ने आपको सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है, बहुत से यूट्यूबर लगे हुए थे, देखा होगा आपने सारे यूट्यूबर लगे हुए, तो उन सभी टीचरों को भी मैं सैल्यूट करता हूं। गालिब अक्सर कहा करते थे ना किसी से इसरिया ना किसी से होड, मेरी अपनी मंजिले मेरी अपनी दौड़। ना तो मैं किसी से कभी इसरिया करूंगा, जितने भी जो टीचर्स ने एग्जाम सॉल्यूशन किया उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इनिशियल स्टेप उठाना सबसे बड़ी बात होती है, तो मैं उन सभी को सैल्यूट बोलता हूं। आप चाहे तो ये ट्विटर ऑफ हरियाणा ट्विटर ऑफ ने ना धमाल मचा कर रख दिया है, मैं नहीं कहूंगा आप है ना पहले ट्विटर ऑफ हरियाणा खोलना, फिर ये जैसे पेपर निकालना, तब आपको पता चलेगा कि पेपर आया कि नहीं आया। हाँ कुछ बच्चे के कमेंट आ रहे हैं सर फीमेल सुपरवाइजर का, अब अगर मैंने लड़कियों के लिए नहीं पढ़ाया तो लड़कियों ने कोई गुना तो नहीं किया ना,
मैं अगर मैंने मतलब उनके लिए फीमेल सुपरवाइजर के लिए अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो लड़कियां तो कहेगी ना सर आप तो बेवफा हो गए, लड़कों के लिए पढ़ाते थे। अरे मैं बेवफा कभी नहीं हूं, ना था ना हूं ना रहूंगा। तो गालिब अक्सर कहा करते थे कुछ तो मजबूरियां रही होगी उनकी भी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता। अगर एक दो दिन जाना पड़ जाए ना तो भी आपके लिए मैं वीडियो शूट करके जाऊंगा। तो धन्यवाद बच्चों, पुलिस का बैच अच्छा लगे तो खरीदना, अदरवाइज मत खरीदना, दूरी ना अच्छी लगे तो डाउनलोड करना, अदरवाइज कोई प्रमोशन नहीं करना, मत डाउनलोड करना। लेकिन आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, जॉब लग जाओ, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, लव यू ऑल। और जितने टीचरों के मैं नाम ना ले पाया ना, जो मेरे बैकबोन में खड़े हैं या मेरे साथ जो भी बलवंत गुरु जी, मुकेश गुरु जी, जितने भी गुरु थे, कईयों के नाम नहीं ले पा रहा आरती में, तो उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं। तो जो हमारे पास दूर होते हुए भी मेरे वो पास है, मेरे दिल में है, किसी को मतलब मेरी वजह से कोई हर्ट हो गया है ना इन चार पेपरों के दौरान, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। और अब भी कह रहा हूं इन चार पेपरों में हमने सॉल्यूशन कराए है ना, दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। तो गलती, गालिब अक्सर कहा करते थे कि गलतियां भी होगी और गलत समझा भी जाएगा, ये दुनिया है जनाब, यहां तारीफें भी होगी और कोसा भी जाएगा। लेकिन ना 90% पॉजिटिव कॉमेंट आए ना, हमारे लिए सैल्यूट है। अब देखकर तो बच्चों बाद में तो पेपर कोई भी सॉल्यूशन करवा सकता है ना, 8% हाथ उठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी के मम्मी पापा को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी कि पेपर खत्म हो गया और 2500 बच्चे अभी भी लाइव है। तो मैं आप सभी को और आपके सभी के मम्मी पापा को सैल्यूट बोलता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद बच्चों, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और धीरू आ जाए एक बार, धीरू रह गया हमारा छोटा भाई, धीरू रह क्यों, चलो ठीक, एंड कर दिया दोबारा, उड़ा दी, दोबारा लगा दी।